नमस्कार, स्वागत है आपका रियासी न्यूज़ लाइव पे। मैं हूँ रोबिन और आज आप देख रहे हैं हमारे रियासी में रविंदर रैना जी, जो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वो आज उनका दौरा हुआ है रियासी डिस्ट्रिक्ट में और वो देखते इधर आए हैं ऑक्सीजन जो जनरेशन प्लांट है उसको चेक करने, उसका मुआयना करने। आज एक बड़ा दौरा है रविंदर रैना जी की ओर से। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट की देख रेख जैसे कि आप लोग साफ तौर पे देख रहे हैं, रविंदर रैना जी ने विजिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में किया हुआ है। क्या दौरे, किस दौरे पे आए हैं ये? पहले आते हैं ऑक्सीजन। कुछ इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जम्मू की अगर बात करें, हमने आपको विजिट दिखाए थे दो दिन पहले, डीआरडीओ नगर में जो 500 बेडेड हॉस्पिटल बनकर तैयार हो रहा है, कुछ दिनों में सौंप दिया जाएगा। 27 या 28 तारीख तक जो है वो आम जनता को सौंप दिया जाएगा, जिसका उद्घाटन जो है वहाँ पर करेंगे। और इसी तरीके से 500 बेडेड जो डीआरडीओ द्वारा श्रीनगर में बनाया जाएगा। हमने देखा कि मल्टी स्पेशलिटी की हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ पर भी हमने देखा कि इस तरीके से वहाँ पर भी इसी तरीके से डॉक्टर्स की टीम के साथ, सीएम के साथ, प्रिंसिपल के साथ मिलकर जो है बातचीत की जा रही थी, जायजा लिया जा रहा था। और आज ये लाइव विजिल्स आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी से। सबसे पहले मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम का जायजा लिया गया। अब यहाँ का पूछा जा रहा है कि आप बना नहीं किसी का सर, बट इट कैन हैपन बिकॉज सर इसके दो कारण होते हैं। एक तो ये मोस्ट कॉमन कारण होता है कि अगर आपका जो ह्यूमिडिफायर का पानी साफ़ नहीं है, वो हम वेयर एंसरिंग पानी बिल्कुल साफ हो सकता है, तो हम बॉटल वाटर डालते हैं या डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं,
सेकंड कॉज इज कि यही जैसे ड्राइनेस हो गए, ह्यूमिडिफायर नहीं है, ब्रश बन जाते हैं, उसके ऊपर कॉज में पड़ा।